आपका स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के वे सारे एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन रखे हैं एमसीक्यू के, वो क्वेश्चन जो है आपके पूरे कम्प्लीट सिलेबस को कवर करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का ऑप्शन दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर, एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, ऑल ऑफ दीज। तो आपको मालूम होगा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें हम आसानी से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर, एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, ये तीनों जो है वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ जस्टिफाई। तो जो जस्टिफाई का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस एल की, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे या कंट्रोल प्लस ई। तो आपको मालूम होगा कि जस्टिफाई का जो शॉर्टकट की है वो होता है कंट्रोल प्लस जे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ लेफ्ट एनाइन। जिस प्रकार से जस्टिफाई का कंट्रोल प्लस जे होता है, वैसे ही लेफ्ट का क्या होगा, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस ई। तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट का हो जाता है कंट्रोल प्लस एल। तो ये थर्ड का आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फोर नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ राइट अलाइन। तो हमने पहले जस्टिफाई, फिर उसके बाद लेफ्ट, अब यहाँ पे राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की दिया हुआ है। तो कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे एंड कंट्रोल प्लस ई। तो जैसे आपको कंट्रोल प्लस एल जो है लेफ्ट अलाइनमेंट का, कंट्रोल प्लस जे जो है वो जस्टिफाई का, तो कंट्रोल प्लस आर जो है वो किसका हो जाएगा, राइट अलाइनमेंट का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का जो आंसर है उसको सॉर्ट आउट करते हुए, उसको आपके माइंड में जो है एक बार स्टोर करते हुए आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेंटर अलाइन। तो 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट का क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे या कंट्रोल प्लस ई। तो आपको मालूम होना चाहिए कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट का, कंट्रोल प्लस आर होता है राइट अलाइनमेंट का, कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई का एंड कंट्रोल प्लस ई होता है वो होता है सेंटर अलाइनमेंट का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फाइंड। फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल यहाँ पे फाइंड का शॉर्टकट की दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एफ एंड कंट्रोल प्लस ई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फाइंड का शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस एफ, क्योंकि इससे पहले कंट्रोल प्लस आर जो है राइट अलाइनमेंट का, कंट्रोल प्लस ई जो है जस्टिफाई का होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ जो है वो किसका हो जाएगा, फाइंड का शॉर्टकट की हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे दिया गया में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये क्वेश्चन एक बार और आ गया था। तो लेकिन यहाँ पे दिया गया है लिब्रे ऑफिस में कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इससे पहले हमने सारे सॉफ्टवेयर में से देखा था, तो लिब्रे ऑफिस में से कौन सा, लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर होता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है या लिब्रे ऑफिस बेस। तो लिब्रे ऑफिस में जो है लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस राइटर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन असाइन टू द डॉक्यूमेंट इन द राइटर व्हेन यू सेव्ड इट। जब हम क्या करते हैं राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, तो उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, .odt, .odf, .ods, .odp। तो यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का जो बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के नाम से यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव करता है। जिस प्रकार से इमेज का एक्सटेंशन नेम .jpg होता है, .png होता है, वैसे आपके जो राइटर का डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इन अ डॉक्यूमेंट ऑल द ऑक्यूरेंस ऑफ वर्ड दीज हैव बीन चेंज टू द दीज, विच ऑप्शन इज सुटेबल फॉर दीज। हमारे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे भी हमने दीज लिखा, THIS लिखा है, उसको रिप्लेस करना है THESE। तो कौन सा ऑप्शन सबसे सुटेबल है, फाइंड ऑप्शन, रिप्लेस ऑप्शन, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा सबसे सुटेबल ऑप्शन है
फाइंड एंड रिप्लेस, तो नाइन्थ नंबर का आंसर हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस डॉक्यूमेंट ऑल द ऑक्यूरेंस ऑफ वर्ड दीज हैव बीन चेंज्ड टू दीज विद शॉर्टकट की कमांड यूज्ड फॉर इट। तो जैसे अभी हमने देखा कि इसको दिस को दिस में कन्वर्ट करने के लिए हमने रिप्लेस का यूज किया, फाइंड एंड रिप्लेस का, तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एच होता है, कंट्रोल प्लस एन होता है, कंट्रोल प्लस एफ होता है कि कंट्रोल प्लस आर। तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच प्रेस करने से फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑप्शन सुट बी यूज टू टाइप H2O टू गेट टू एट द प्रॉपर प्लेस। तो जैसे आपको यहाँ पे H2O जो है वाटर का जो है वो केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, जहां पे आप 2 को जो है H के नीचे लिखे हैं, तो यहाँ पे H के नीचे जब हम लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है, अंडरलाइन बोला जाता है कि सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो जब हम बेस लाइन से ऊपर जब लिखते हैं, जैसे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जब लिखते हैं तो 2 ऊपर चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और जब बेस लाइन से नीचे आ जाता है तो हम यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर द ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग। कौन सा शॉर्टकट जो है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का है, तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस इंसर्ट या टैब प्लस इंसर्ट। तो इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करने से आपका क्या हो जाएगा, स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की टू रीडू एनी ऑपरेशन, यानी आप जब भी कोई कहीं पे यूज करते हैं तो आपको रीडू ऑप्शन का यूज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग करेंगे, तो कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस जेड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई, क्योंकि कंट्रोल प्लस जेड होता है अंडू का और कंट्रोल प्लस वाई होता है रीडो का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच शॉर्टकट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की ऑफ अंडू एनी ऑपरेशन। तो किसी भी ऑपरेशन में हमको प्रीवियस कंडीशन में जाने के लिए किस कौन सा शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस एक्स या कंट्रोल प्लस जेड। तो इससे पहले हमने बताया था कि रीडो का कंट्रोल प्लस वाई है और कंट्रोल प्लस जेड जो है वो अंडू ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हेडर एंड फूडर इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। हेडर एंड फूडर का ऑप्शन जो है वो कौन से मेन्यू में होता है, तो फाइल मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में या एडिट मेन्यू में। तो ये होता है इंसर्ट मेन्यू में, हेडर एंड फूडर का ऑप्शन रहता है, जहां इंसर्ट आप हेडर और फूडर को इंसर्ट अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। द मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन लेट 1970 वाज। तो 1970s में जो है कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, तो वर्ड परफेक्ट, वर्ड, वर्ड स्टार या राइटर। तो 1970 का सबसे पॉपुलर जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था वो था वर्ड स्टार। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। टू हाइड और व्यू रूलर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। अगर हमको हमारे डॉक्यूमेंट में जब क्रिएट करते हैं तो उस समय रूलर को देखना है या उसको हाइड करना है, तो उसके लिए आप कौन सा मेन्यू का यूज करेंगे, टूल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू या एडिट मेन्यू। तो उसके लिए हम यूज करेंगे व्यू मेन्यू में जाएंगे। तो व्यू ऑप्शन में आप यहाँ पे अपने रूलर को हाइड भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। What is the option to print the document so that the height of the page is less than the width? तो जब हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या करना चाहते हैं, ऐसा प्रिंट करना चाह रहे हैं जहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारा डॉक्यूमेंट का हाइट जो है वो क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ द पेज इज लेस, यानी आपका हाइट जो है कम होना चाहिए, विथ जो है ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए दो तरह के डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं, एक होता है लैंडस्केप, दूसरा पोर्ट्रेट। उसके अलावा इंडेंट और यहाँ पे टैब सेटिंग ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब हमारा हाइट क्या हो, कम हो और विथ ज्यादा हो, तो यहाँ पे उसको बोला जाता है लैंडस्केप। वैसे तो वो डॉक्यूमेंट जो है बाय डिफॉल्ट जो है पोर्ट्रेट में होता है, आप उसको लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। टू क्लोज एनी ओपन डॉक्यूमेंट वी शुड टू गो विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। जब हमारा डॉक्यूमेंट ओपन है उसको क्लोज करने के लिए कौन से मेन्यूज में जाएंगे, फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू
और एडिट मेन्यू। तो फाइल ओपन है, उसको क्लोज करना है, बंद करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू में। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पेज फॉर्मेटिंग। दिए गए में से कौन सा जो है पेज फॉर्मेटिंग में नहीं आता है? सेटिंग मार्जिन, फाइंड एंड रिप्लेस, सेटिंग हेडर एंड फूडर, पेज ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे जो है आपके पेज फॉर्मेटिंग में क्या नहीं आता है, तो यहाँ पे हमारे नहीं आता फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन जो है नहीं आता। बाकी आप सेटिंग, मार्जिन सेटिंग और हेडर फूडर सेटिंग, पेज ओरिएंटेशन, ये सारा चीज जो है हमारे पेज फॉर्मेटिंग में आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। द डिफॉल्ट टेबल साइजेस। तो डिफॉल्ट टेबल साइज क्या होता है? 1 column 1 row, 2 column 1 row, 2 column 2 row या 1 column 2 row। तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो है टेबल साइज होता है 1 column 1 row। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द प्लेस ए वर्ड बॉम्बे विथ मुंबई, वी शुड गो विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। अभी तक आपने अगर इस एमसीक्यू को देख लिया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट में बॉम्बे लिखा है, उसको मुंबई में रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आप टूल मेन्यू का यूज करेंगे, एडिट मेन्यू का यूज करेंगे, व्यू मेन्यू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होता है एडिट मेन्यू में। तो यहाँ से जाके हम एडिट मेन्यू में जाके फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन मेल मर्ज। तो मेल मर्ज में दिए गए में से कौन सा जो है डेटा सोर्स नहीं हो सकता? स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल, MySQL या CSV फाइल। तो देखिए मेल मर्ज में क्या होता है, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है और एक सोर्स डेटा होता है, जहां से डेटा सोर्स से हम क्या करते हैं, किसको किसको के नाम से नया नया प्रिंट लेना है, तो वहां से हम डेटा सोर्स से लेते हैं। तो कौन सा नहीं हो सकता? तो टेक्स्ट फाइल जो है वो क्या नहीं हो सकता, डेटा सोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्स्ट फाइल जो है उसको हम जो है मेन डॉक्यूमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं वहां के टेक्स्ट को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कीबोर्ड शॉर्टकट टू इटलाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी हमारे टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+U, Shift+U, Ctrl+I की Shift+I का यूज करेंगे। तो आपको इटैलिक करने के लिए हम यूज करेंगे Ctrl+I का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। टू फाइंड ए वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट वी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की। किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए आप कौन सा फंक्शन की का यूज करेंगे? F5 की, F8 की, F1 की या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे फाइंड के लिए Ctrl+F का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ये F किसी भी फंक्शन की के थ्रू परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे आएगा नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए ऑफिस सूट। दिए गए में से कौन सा जो है ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है? राइटर, इंप्रेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर या बेस। तो लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस में जो है राइटर भी होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, लिब्रे ऑफिस बेस होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वेब ब्राउजर है, तो ये इसका कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं 27। व्हाट इज द शेप ऑफ ए माउस पॉइंटर व्हेन ड्रॉ ए टेबल। जब हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमारा माउस का पॉइंटर कैसे रहता है? पेंसिल के समान, व्हाइट पॉइंटिंग एरो के समान या ब्लैक पॉइंटिंग एरो के समान या ब्लैक प्लस। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाइट पॉइंटिंग एरो जैसे यहाँ पे दिखाई देता है, जिसमें हमको जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जो है क्या आ जाएंगे, टेबल ड्रॉ होके आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 28। द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ ए पेज इन राइटर। तो दो तरीके का ओरिएंटेशन होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इसके अलावा ये बुक और नॉन ऑफ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो डिफॉल्ट जो राइटर का एक्सटेंशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। तो ये जो है लेंथ वाइज लेंथ जिसका ज्यादा रहेगा तो वो होता है पोर्ट्रेट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स सेलेक्ट ए सेंटेंस इन राइटर। कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको सिंगल क्लिक करेंगे यानी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक से हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक से होगा या नॉन ऑफ द एबो। तो हम सिंगल क्लिक में तो केवल जो है उस डॉक्यूमेंट का किसी टेक्स्ट के ऊपर, बस करेक्टर के ऊपर ही हम क्या कर पाएंगे, क्लिक कर पाएंगे। डबल क्लिक करते हैं
तो वहां वर्ड सेलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट होता है, और फोर टाइम क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे ट्रिपल क्लिक आ जाएगा जिसमें हम पूरे सेंटेंस को एक ही बार में क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट ऑप्शन शुड बी यूज्ड टू चेंज द वर्ड बुक टू द वर्ड कॉपी इन अ डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया उसमें बुक की जगह हमको कॉपी में चेंज करना है, तो फाइंड ऑप्शन, फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेल चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि बुक को जो है कॉपी में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट 31, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट टेबल। कौन सा शॉर्टकट की के थ्रू जो है हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F12, एल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, टैब प्लस डिलीट। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस F12 जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स जिसमें हमको कितने यहाँ पे रो और कॉलम्स होंगे इसको हमको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, फिर टेबल हमारे सामने ड्रॉ होके आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, स्पेलिंग आर करेक्टेड ऑटोमेटिकली इन राइटर बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। कौन सा ऐसा फीचर है जिससे हम क्या हमारा जो स्पेलिंग है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट, ऑटो कंप्लीट, ऑल ऑफ द एबो। तो यहाँ पे ऑटो करेक्ट एक ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऑटोमेटिकली जो है हमने जो टाइप किया है वो गलत स्पेलिंग को क्या कर देगा, सही करके टाइप कर देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33, टू चेक द ग्रामर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। कि हमको अगर ग्रामर चेक करना है तो कौन से ऐसे मेन्यूज में हम जाएंगे, तो टूल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू और एडिट मेन्यू। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे टूल मेन्यू। तो टूल मेन्यू में जाके हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34, वी कैन चेंज द मिस्टेक नोटिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है हमने अगर कहीं पे जो है क्या देखा, मिस्टेक देखा, उसको कौन से ऐसा ऑप्शन है जहां से हम जाके चेंज कर सकते हैं, किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सिंपल टाइपराइटर या बोथ ए एंड बी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में भी बहुत कम ऑप्शन होते हैं तो वहां पे हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हमने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसको किसी भी समय जो है हम उसको क्या कर पाएंगे कि चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं 35, सेव द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विथ द सम अदर नेम्स यूजिंग द सेव एज ऑप्शन। तो यहाँ पे जो करंट डॉक्यूमेंट है, रिप्लेस द करंट डॉक्यूमेंट, जब हम क्या करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को अदर नेम से सेव करते हैं सेव एज ऑप्शन से, तो जो करंट डॉक्यूमेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा बोल रहे हैं। लीव द करंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट एंड इट इज नॉट पॉसिबल या क्लोज द डॉक्यूमेंट। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो पहले का डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, तो जब हम क्या करते हैं ऐसे में जो है वो पहला वाला डॉक्यूमेंट जो है वो लीव हो जाता है और करंट डॉक्यूमेंट में हम क्या कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, यानी हमारा पहले का डॉक्यूमेंट भी सेव रहेगा और अभी के डॉक्यूमेंट में हम क्या करेंगे, तो सेव एज ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ बोल्ड। बोल्ड का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस वी। तो बोल्ड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वी, तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल प्लस वी। इससे पहले इटैलिक का हमने देखा था कंट्रोल प्लस आई, तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल प्लस वी हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ अंडरलाइन। अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस वी। तो यहाँ पे अंडरलाइन का होता है कंट्रोल प्लस यू होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट। प्रिंट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पी। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंसर्ट लिंक। कि आप लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो जो है वेब ब्राउजर में ले जाए, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एल का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एम, तो इसमें आ जाए कंट्रोल प्लस के का यूज करके हम इंसर्ट लिंक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एस, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41,
व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव एज? सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस यहाँ पे F5, F12 या कंट्रोल प्लस एस। तो यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन का शॉर्टकट की होता है F12। तो इसका आंसर हो जाएगा F12 के द्वारा हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट से सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर का अगर PDF चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर का PDF आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप जो है आपके एग्जाम की तैयारी करने में आपको आसानी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।